फरीदाबाद में सभी स्वास्थ्य सेवाओं को ठप कर अपनी मांगों को लेकर सिविल अस्पताल के बाहर धरने पर बैठी आशा वर्कर्स ने आज सर्व कर्मचारी संघ और नगर पालिका सफाई कर्मचारियों ने अपना समर्थन देते हुए सिविल अस्पताल से नीलम चौक तक सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकाला और जमकर सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। सैकड़ों महिला आशा वर्कर्स ने सरकार को साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक शहर में सभी स्वास्थ्य सेवाएं बंद रहेंगी। फरीदाबाद की सड़कों पर उतरी सैकड़ों महिलाओं ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाए। बता दें कि 19 जनवरी से सभी आशा वर्कर सिविल अस्पताल के बाहर धरने पर बैठी हुई हैं, जिनकी मांग है कि सभी आशा वर्कर को पक्का किया जाए और समान काम समान वेतन लागू किया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर आशा वर्कर पिछले कई सालों से लगातार सरकार से लड़ाई लड़ रही है, मगर अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इस बारे में आशा वर्कर की प्रधान हेमलता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं में सरकार एक तरफ तो आशा वर्कर तो सरकार रीढ़ की हड्डी कहती है और दूसरी ओर उसी रीढ़ को मजबूत करने की बजाय कमजोर करने में लगी हुई है। आशा वर्कर दिन रात मेहनत कर स्वास्थ्य विभाग के सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर कार्य करती है, जिसका मेहनता भी उन्हें नहीं मिलता है। इसीलिए उनकी मांग है कि उन्हें पक्का किया जाए और जब तक प्रक्रिया चलती है तब तक समान काम समान वेतन दिया जाए। वहीं सर्व कर्मचारी संघ के नेता सुभाष लांबा और नगर पालिका कर्मचारी नेता नरेश शास्त्री की माने तो आज उन्होंने आशा वर्कर को समर्थन दिया है और साफ तौर पर कहा है कि सरकार आशा वर्कर को अकेला ना समझे, सभी कर्मचारी संघ उनके साथ है और इस हड़ताल के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं बंद होने के कारण किसी मरीज को कोई परेशानी होगी तो उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। वजह ये है जी, हमारे आशा वर्कर काफी दिन से अपनी मांगों को लेकर परेशान है। उन्होंने अपनी मांगे रखी हैं भी हमें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और समान काम समान वेतन दिया जाए। यदि जब तक वो हमारे सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं करती है 18,000 न्यूनतम वेतन हमें दिया जाए। जी, आप किस विभाग से हैं? हम हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं। तो लगभग कितनी महिलाएं हैं जो इस तरह से यहाँ पहुंची हैं और इनकी मुख्य मांगों की बात करें तो लंबे अरसे से लगातार चलती आ रही, सरकार क्यों नहीं मान रही इनकी मांगे? सरकार ये कहती है भी स्कीम वर्कर है तो इनको फिक्स तो हम करते कर नहीं सकते हैं, खाली मानदेय देंगे, लेकिन मानदेय भी वो हमें टाइम से नहीं मिलता है और 24 घंटे की ड्यूटी हमारी आशा वर्कर कर रही है, उसके बाद भी उसको कोई मानदेय नहीं है, कोई इंसेंटिव नहीं है, ना ड्रेस मिलती है उसे और टाइम से तो बिल्कुल ही सैलरी नहीं डाली जाती। स्वास्थ्य सेवाएं जो आशा वर्कर प्रदान करती हैं पूरी तरीके से प्रभावित है और निश्चित तौर से सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने इनकी मांगों का आंदोलन का पुरजोर समर्थन किया है। हम सरकार से कहना चाहते हैं, अपील है कि तुरंत प्रभाव से इनसे बातचीत की जाए और इनकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाए। आज तक सरकार 3 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, एक पैसा आशा वर्कर का नहीं बढ़ाया। NHM कर्मचारियाँ कुछ ना कुछ राहत दी है लेकिन आशा वर्कर को उसमें से अलग कर दिया गया है। इसकी जिम्मेदार तो सरकार होगी क्योंकि सरकार की ही जिम्मेदारी है प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य की सेवाएं देने की और सरकार की जिम्मेदारी तो सरकार ने नारा भी दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो ये सारी बेटियां ही तो हैं जो आशा के रूप में काम कर रही हैं और ये समाज में इनका काम बड़ा प्रमुख है। ये बहुत सारी सेवाएँ आम जनता को प्रोवाइड कराती हैं लेकिन उसके बाद भी इनको जितनी ये मेहनत करती हैं उतना मेहनताना नहीं मिलता है। इनके साथ में पूरी तरीके से सरकार एक तरीके से इनकी उपेक्षा कर रही है और उस उपेक्षा के खिलाफ अपनी नौकरी को स्थायी करने के लिए अपनी मेहनत का पूरा पैसा लेने के लिए इन्होंने ये आंदोलन किया है। निश्चित तौर पर प्रदेश का पूरा मजदूर और कर्मचारी इनके साथ खड़ा है। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा वो भी इनके साथ है। और इसी के साथ हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए BVM News के साथ।